प्रोफेसर सेनेटर साजिद मीर साहब, उससे पहले कि मैं अगले मुकर्रर को दावत दूं, आज का जलसा तीर निशाने पर है। कल भी बहुत सारों की चीखें निकली हैं, आज भी पीटीआई के सिंध में अपोजिशन लीडर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसने कहा है हारे हुए लोग जलसा कर रहे हैं, मदारिस के तलबा जलसा कर रहे हैं। शेख साहब, आपके औकात ही यही है जो आप बोल रहे हैं। आपके बड़ों ने आपको बदतमीजी के सवा कुछ नहीं सिखाया, गालियों के सवा कुछ नहीं सिखाया। मैंने जरूरी नहीं समझा कि आपको जवाब दो, लेकिन सुन लो, आधा मलीर तुमने बेचा है। पीडीएम इक्तदार में आकर जहां तुम्हारे इमरान खान का एहतसाब करेगी, वहां तुमसे मलीर के जमीने बेचने का भी हिसाब करेगी। तुम किस मुंह से पीडीएम पे तनकीद करते हो? तुम्हारे अंदर यह जुर्रत नहीं कि तुम अपने पीएस 99 में जा सको? जरूरत है तो अपने हलके में जाके दिखाओ, अगर गंदे टमाटर और अंडे न पड़े तो फिर हमें कहना। तुम होते कौन हो हम पर तनकीद करने वाले? तुम होते कौन हो हम पर यह कहने वाले के मदारिस के तलबा, हां मदारिस के तलबा ने पाकिस्तान बनाया था, मदारिस के तलबा पाकिस्तान बचा कर रहेंगे। किसी माई का लाल मदारिस के तलबा का रास्ता नहीं रोक सकता। कायद की ललकार है, हर कोई तैयार है, सारे पाकिस्तान से अवाम और अपोजिशन लीडर साहब, दोबारा सोच समझ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, वरना फिर मेरे पास भी आपके वो करतूत हैं। अगर मैंने बताना शुरू किए तो मलीर कैंट से बाहर नहीं आ सकोगे। मैं दावत खिताब दे रहा हूं, इसी जोश इसी बलवले में अपने भाई जमीयत उलमा पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल जनाब शाहवेश नूरानी साहब को माइक पर तशरीफ लाएं और जरीन ख्यालात का इजहार फरमाएं। नूरानी आया, नूरानी आया, वो देखो दीवाना अली। बंद कर, बंद कर, बंद कर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।